हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। रविवार को पुलिस ने इस मामले में प्रधान प्रत्याशी पति को गिरफ्तार किया है। रविवार को एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र रावत ने बताया कि मामले में अब तक 8 की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रधान प्रत्याशी बबली के पति को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी विजेंद्र गांव में झोला साहब डॉक्टर का काम करता है और खुद ही शराब बनाकर चुनाव में लोगों को पिला रहा था। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की छापेमारी में आरोपी के पास से 35 लीटर शराब मिली है। इसके अलावा शराब बनाने के इक्विपमेंट भी बरामद हुए। हरिद्वार से नरेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट। फूलगढ़ में कल 3 लोगों की डेथ आइडेंटिफाई हुआ था और शिवगढ़ में ही हुई है। एक डेथ आज पुनः शिवगढ़ में हुई है और उसके रिगार्डिंग डीएम सर पे जो डायरेक्शंस है और बींग एसडीएम, तो एक तो गांव में एक मेडिकल कैंप स्टैब्लिश किया गया है कि जिन लोगों को फिजिकल संबंधी कोई हेल्थ संबंधी कोई इशूज़ है, कहीं पेट में पेन है या वोमिटिंग इत्यादि हो रही है, तो ऐसे लोगों को इमिडिएटली मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। इस प्रकरण में हमने जो अभियुक्त गण हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया और जो उसका मुख्य अभियुक्त है जिसने कि शराब को बनाया था और अपनी पत्नी के प्रचार के लिए लोगों को पिलाया था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस खेत में इसने दबा के वो रखी हुई थी उसके इनसे 35 लीटर इसकी शराब बरामद भी हो गई है और इसके अलावा जो इसने पिलाई थी वो छोटे छोटे जो कुछ जो पेप्सी की खाली बोतलें होती हैं जिनमें शराब रखी हुई थी उनमें जो बची हुई थी शराब वो भी हमने बरामद की।